Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेस्ट बुक. और आज हमारे साथ है अमन अग्रवाल, जिनका गेट CS AIR है 352. और हम इनके साथ आज बातचीत करेंगे कि उनका प्रिपरेशन कैसा था, थॉट प्रोसेस क्या था, पूरे एग्ज़ाम का उन्होंने कैसे टैकल किया पूरे गेट CS को. तो पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा था पूरा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, गेट CS के लिए. मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपने सीनियर्स से बात करी, तो उन्होंने बताया कि गेट ही ऐसा तरीका है जिससे किसी अच्छे IITs में पहुंचने के बाद अच्छा प्लेसमेंट लग सकता है. तो उसके लिए एक ही उपाय था कि गेट का पेपर देना ही था. तो तब मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और सबसे मेरे पे टाइम था, मैं लकी था कि मैंने थर्ड ईयर में अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. तो मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई स्टार्ट की, पहले पूरा सिलेबस अपना ख़त्म किया गेट का, उसके बाद टेस्ट सीरीज से मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करी. ओके, आपने कोई दूसरी कोई कोचिंग लगाई थी गेट CS के लिए? नहीं, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी थी और यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देखे थे. ओके, तो ये प्रिपरेशन फेज का जो प्रिपरेशन फेज था, इसमें आपका डेली रूटीन कैसा था? मेरे कॉलेज में क्लासेस तो इतनी नहीं होती थी, कंपलसरी नहीं थी मतलब, तो मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता था, तभी से मैं गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता था. जो भी सब्जेक्ट में पढ़ रहा था उसकी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करता था, कुछ भी डाउट आता था तो उससे मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, जो भी वीडियोस मेरे को मिलती थी मैं उससे अपना डाउट क्लियर करता था. तो सबसे पहले मैंने अपना पूरा गेट का सिलेबस ख़त्म किया, उसके बाद मैंने फिर टेस्ट सीरीज से टेस्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करी. ओके, तो एक्शन प्लान कैसा था कि ये मंथ्स में मैंने ये महीने तक मैंने ये कम्प्लीट कर दिया, बाकी के मंथ्स में मैंने ये कम्प्लीट कर दिया, ऐसे? मेरा इतना था कि मुझे विदिन 6 to 7 months में अपना पूरा गेट का सिलेबस ख़त्म करना है, और फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है. तो मैंने 6 to 7 months में स्टैंडर्ड बुक्स और फ्री यूट्यूब वीडियोस से अपना गेट का सिलेबस पूरा ख़त्म किया, और फिर देन मैंने टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज के द्वारा टेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की. ओके, जैसे कि टेस्ट बुक के जो टेस्ट पैक है उसमें 3 टाइप के टेस्ट है, पहले तो सब्जेक्ट टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, फिर फुल टेस्ट है. तो आपको कितना फ़ायदा हुआ ये सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज का, क्योंकि गेट को क्या कंसिडर किया जाता है कि ये प्योरली कंसेप्चुअल बेस्ड एग्ज़ाम है, तो वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए इसका कितना फ़ायदा हुआ आपको? सबसे अच्छी बात लगी कि उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट थे, जिससे मेरे बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो सब क्लियर हो गए, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने बिल्कुल स्क्रैच से क्वेश्चंस उठाए थे और एकदम कंसेप्चुअल लेवल पे धीरे धीरे हार्डनेस की बढ़ाते गए और एक अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस मुझे टेस्ट बुक में मिले. और जो टेस्ट सीरीज मैंने ली थी उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं थे, पर मुझे टेस्ट बुक ने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने का मौका दिया, जिससे मुझे पता चला कि मेरे कौन से टॉपिक्स वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं मेरे टॉपिक्स. ओके, तो जैसे कि गेट CS में हर एक सब्जेक्ट का एक वेटेज होता है, तो आपने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि ज़्यादा वेटेज वाले मैं पहले प्रिपेयर करूँगा, फिर जो कम वेटेज वाले वो बाद में आएंगे? नहीं, मैंने ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, मेरा तो बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे पूरा गेट का सिलेबस ख़त्म करना है. मैंने ये कभी नहीं देखा कि कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है या कौन से सब्जेक्ट से कितने कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है, मुझे तो बस पूरा गेट का सिलेबस ख़त्म करना था बस. ओके, ऑब्वियसली आपने गेट के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर थे वो आपने एक बार गो थ्रू कर लिए थे, तो आपको अगर आप कंपेयर करते हो प्रीवियस पेपर और ये वाले गेट 18 का जो पेपर था, तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल कितना लगा? मुझे लगा कि तो पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन हैं वो काफ़ी सिंपल आ रहे हैं, पर जो गेट 2002, 2003 और 2000 अराउंड 5-6 तक जो क्वेश्चन आते थे वो काफ़ी हार्ड आते थे, पर अभी कुछ 5-6 सालों से क्वेश्चन काफ़ी ईजी आने लग गए, मतलब बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लग गए. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप उन क्वेश्चंस को बड़े इजीली कर सकते हैं. तो अमन, आप मुझे बताइए ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो स्टूडेंट को फर्स्ट हाफ में कवर कर लेना चाहिए? सी डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद आप DLD पढ़ सकते हैं, DVMS पढ़ सकते हैं, मैथ्स, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, या आप लास्ट फेज में कर सकते हैं. बहुत धूप बढ़ गई है यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो पार्ट है इंटरव्यू का, हम लोग वो कॉपी पर डिस्कस करें. गेट 2016 से एग्ज़ाम्स में मतलब सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि हम लोग गेट कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर बात करें तो उसमें 2 टॉपिक्स क्या बोलते हैं ऐड कर दिए हैं, जैसे कि है अपना IPv6 है, बेसिक्स ऑफ वाईफाई, हाँ ये वाईफाई है. तो प्रीवियस ईयर में
इतने कोई ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे, ये टॉपिक के ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं थे, तो फिर ये दो जो टॉपिक्स ऐड हुए उसके मतलब उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता है इन टॉपिक्स के लिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता है। दो ही टॉपिक ऐड किए हैं बस नए कंप्यूटर नेटवर्क में, IPv6 और बेसिक्स ऑफ वाईफाई। तो IPv6 में उसका हेडर के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, वाईफाई के बारे में उसका फ्रेम फॉर्मेट के बारे में पढ़ लेना आप, और वाईफाई में आप थोड़ा CTS RTS ये देख लेना, और जो वाईफाई में डेटा भेजने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हिडन नोड प्रॉब्लम, एक्सपोज नोड प्रॉब्लम, इतना पढ़ लेना, इतना सफिशिएंट है। ओके, तो चेंजेस की ही बात करें तो जैसे कि और एक सब्जेक्ट है अपना एल्गोरिदम्स, तो जैसे कि उस पर NP कम्प्लीट और NP हार्डनेस, ये जो टॉपिक्स थे वो बेसिक टॉपिक हटा दिए, बट इसका एप्लीकेशन रखा है TOC में, जैसे कि डिसाइडेबिलिटी जो एक टॉपिक है उसमें रखा है। तो जैसे कि बेसिक्स हटा दिया, तो इसकी वजह से जो अपना एग्ज़ाम है उसमें ये जो ये टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कम हो चुकी है, बढ़ गई है, या वही की वही है, क्या लगता है आपको? डिफ़िकल्टी लेवल पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो बस बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए। ओके, कंसेप्ट पता है तो आप कैसे भी सवाल कर सकते हैं, या तो वो सवाल उसके एप्लीकेशन से आए या प्योरली थ्योरी बेस्ड आए आप कर सकते हैं। तो आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए इन टॉपिक्स के, बस कर सकते हैं आप कोई भी क्वेश्चन। ओके अमन, टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें हर एक टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस दिखता है, आपके वीक चैप्टर्स, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स और जो भी कुछ है, रैंक दिखता है आपको, ये टूल का आपको कितना हेल्प हुआ है? टेस्ट बुक में मुझे दो ही चीज़ सबसे अच्छी लगी थी, एक तो हर एक टेस्ट के बाद एनालिसिस होती थी पूरी, टॉपिक वाइज टेस्ट में कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है ये पता चलता था, जो टॉपिक आपका वीक है वो कितना वीक है ये पता चलता था। दूसरा आपको चैप्टर वाइज भी पता चलता था कि कौन सा चैप्टर आपका, कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। और दूसरी बात, ये टेक्स्ट बुक में लाइव टेस्ट होते थे, लाइव रिवार्ड टेस्ट, तो उसमें लाइव रैंकिंग आती थी, तो उससे पता चलता था कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं अभी, अभी कितनी प्रिपरेशन करनी है हमको, अभी कितने पीछे हैं हम या कितने आगे हैं, तो ये पता चलता था। ये तो दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक की। ओके अमन, और जैसे कि अब गेट का आपका रैंक आ गया, तो अब इसके बाद आप के फ्यूचर प्लान्स क्या है गेट के बाद? मैं तो MTech करना चाहता हूँ। वैसे बहुत से लोग गेट के बाद PSU भी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई MTech के लिए भी जाता है, कोई बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में PhD के लिए भी अप्लाई करता है। ओके, तो अमन अभी जो स्टूडेंट्स गेट 19 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स से अच्छा कुछ नहीं होता। पर अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके पास नहीं रहे पे फ्री वीडियोस देख सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर ही लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि गेट में किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट देना है। और टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप टेस्ट बुक ले लें, क्योंकि टेस्ट बुक में आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको ऑनलाइन रिव्यू टेस्ट मिलेगा जिसमें आप अपनी रैंक औरों से कंपेयर कर सकते हैं लाइव टेस्ट के थ्रू। टेस्ट बुक में आपको आपका पूरा किस तरह से मैनेज करना है, आपकी रैंक एनालिसिस सब चीज़ के बारे में पता रहेगा, कौन सा टॉपिक आपका कितना वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब भी आपको पता रहेगा। तो टेस्ट बुक तो आप ज़रूरी ले लें। थैंक यू अमन फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेस्ट बुक यूट्यूब चैनल।